जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया साइट पे स्टेटस फीचर्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में आपको ये स्टेटस फीचर्स देखने को मिल जाता है। व्हाट्सएप पे लाखों फोटोज और वीडियोस स्टेटस के रूप में पोस्ट किए जाते हैं। खास बात ये होती है व्हाट्सएप की कि वो जो स्टेटस है वो 24 घंटे में अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। उस केस में अगर आपको किसी रिश्तेदार या आपके किसी दोस्त का जो स्टेटस है, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, उसको डाउनलोड करने का मन कर जाता है अगर आपको वो पसंद आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। कई बार तो लोग फोटो का स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लेते हैं लेकिन वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाते। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिसके जरिए आप अपने मनपसंद स्टेटस को चुटकियों में डाउनलोड कर पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में छुपे उस हिडन फोल्डर के बारे में जहां आपके व्हाट्सएप स्टेटस के जो फोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो अपने आप ही डाउनलोड हो जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि वो फोल्डर क्या है। शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा कि आपके फ़ोन में एक हिडन फोल्डर होता है जहां आपके व्हाट्सएप का जो स्टेटस है, चाहे वो वीडियो हो या फिर फोटो, वो वहां पे डाउनलोड हो जाते हैं। जब आप किसी के स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। ये फोल्डर आपके ही फ़ोन में छिपा होता है। सबसे पहले आपको इस फोल्डर यानी स्टेटस फोल्डर को अनहाइड करना होगा। स्टेटसेस फोल्डर को अनहाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर के मेन्यू बार में जाना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे 3 डॉट मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको एक शो हिडन सिस्टम फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उसको एनेबल कर देना है, राइट। आपने इसको एनेबल कर दिया, उसके बाद आपको जाना है बैक। हम बैक चलते हैं, आपको यहाँ पर इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन मिला, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको उसमें एक WhatsApp फोल्डर का ऑप्शन सर्च करना है या फिर आप ढूंढ भी सकते हैं। जैसे ही आप WhatsApp का जो फोल्डर है उसमें आप एंट्री करते हैं तो आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस का। उस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको इसमें फ़ोटोज़ दिखेंगे। ये सब WhatsApp स्टेटस की फ़ोटोज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, ठीक है। इसको मैं गैलरी में ओपन कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको वीडियोस भी दिखा देता हूँ। ये एक वीडियो है, आप ये देख सकते हैं, ये स्टेटस का वीडियो है। ये देखिए, ये व्हाट्सएप स्टेटस का वीडियो जो मैंने देखा था वो वीडियो इसमें डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने मनपसंद स्टेटस के वीडियो हो चाहे फोटो हो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।